पाइस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ई मेल के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ई मेल स्क्रीन पर होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका जॉरिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा और फाइनल डिटेल्स आइए जानते हैं पायसेस पीपल ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जनरल एनर्जीज इस मंथ के आपके लिए किस तरह की होंगे जनरल एनर्जीज इस मंथ के आपके लिए किस तरह की रहने वाली है पाइसिस पीपल आइए जानते हैं यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर है यहाँ पर द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर है कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पाइसिस पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा डिटर्मेंट होंगे इमोशनल इस महीने में आप बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं आपके हर एक्शन में प्रैक्टिकलिटी नज़र आएगी ठीक है इस महीने में आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी रहने वाले हैं खुद पर यकीन करना कर्मों पर यकीन करना ऐसा आपका माइंडसेट इस महीने में रहने वाला है ये महीना आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आएगा क्योंकि अब आप दिल से नहीं दिमाग से सोचने वाले हैं, जो चीजें आपके जीवन के अंदर रुकी हुई थी वो चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होने वाली है आप इस महीने में ये फील करेंगे कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए रास्ते धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे ठीक है इस महीने में आपको खुद के ऊपर गर्व होगा अपनी चॉइसेस के ऊपर गर्व होगा इस तरह की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं इस महीने में आपको आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्पीयर में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रहे हैं आपकी अच्छी चॉइसेस आपका मान सम्मान बढ़ाएंगी आपकी जो चॉइसेस हैं उसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करने वाले हैं जहां पर आपके अपने आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे वहां पर आपके अपनों का साथ इस महीने में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ओके okay. तो अपनों का साथ भी जरूरी होता है वो इस महीने में आपको मिलेगा आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है इस महीने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं हर हर चीज को बारीकी से देखकर समझकर आप उस चीज के ऊपर काम करेंगे आप अगर कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो ये महीना उस चीज के लिए बहुत अच्छा है हर छोटी छोटी, छोटी चीज पर अटेंशन पे कर पाएंगे आप और इस महीने में अगर आप कोई मिनटॉट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिनटॉर भी आपको मिलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा जिस चीज़ में आप मेहनत करने वाले हैं वहाँ पर आपको अच्छे आउटकम्स भी मिलेंगे बट आपके अंदर इस महीने में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहने वाली है आपको ऐसा लगेगा आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है फल भी आपको इसी महीने में मिलेगा बस आप जरूरत से जल्दी हर एक चीज पर रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठेंगे ठीक है ऐसा नहीं करना थोड़ा सा पेशेंस रखना है प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए अन्य चिंता करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में आपके सब कुछ सही होने वाला है ठीक है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है कहीं पर भी अपने आप को एग्जॉस्टेड फील नहीं करवाना है यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, का कार्ड है इस महीने में आप अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा आपने और भी अगर किसी स्पेयर में मेहनत की उस उसमें भी आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी आती हुई मुझे नज़र आ रही है आप ये महसूस करेंगे कि आपने पैसा तो कमा लिया है लेकिन आप उस पैसे को भोग नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप इस महीने में कोई नई कार खरीदें अपने घर के लिए कोई नया फर्नीचर खरीदें ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं कि आप अपनी वजह से अपनी लाइफ के अंदर इतनी सक्सेस हासिल कर पा रहे हैं ठीक है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इस महीने में आप अपने लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्पेयर में बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहने वाले हैं डेडिकेशन से आप काम करेंगे हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी एप्रीहेंशन की एनर्जीज में रहेंगे इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है हर एक्शन को लेने से पहले प्लानिंग करनी है ताकि आपके एक्शंस गलत ना जाए हर डिटेल पर आपको काम करना है परफेक्ट टाइमिंग की वेट करनी है इस महीने में कोई गार्डियन एंजल आपको सपोर्ट करने वाला है ठीक है आपको उनसे सपोर्ट मिलेगी आप जहां पर भी अपनी लाइफ के अंदर गलत जा रहे होंगे वहां पर आपको गार्डियन एंजल की सपोर्ट मिल जाएगी यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है इस महीने में आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी होगी उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैप करना है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कदम रहने वाला है हिम्मत रखकर ऑप्टिमिस्टिक रहकर इस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है आपको निरंतर एक्शन लेना है आप वो कीजिए जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िएगा ओके okay, ये यहाँ पर यहाँ पर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है देखिए इस महीने में आपको कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है आप इस महीने में अपने करियर में बहुत बड़ा ब्लूम देखने वाले हैं आपके सामने एक बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आएगी अपने करियर के रिगार्ड में उस अपॉर्चुनिटी के पीछे आप पहले भाग रहे थे अब आपको वो अपॉर्चुनिटी सामने से मिलने वाली है तो उसे क्रैप करना तो आपको नहीं भूलना है अगर आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं अपने करियर के फील्ड को जो आप चेंज करना चाह रहे हैं कुछ नई चीज ट्राई करना चाह रहे हैं आप इस महीने में कर सकते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए भी इस महीने एनर्जीज अच्छी रहेंगी वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल प्रैक्टिकल एनर्जीज ज्यादा नजर आ रही हैं सो आई होप पाइस पीपल आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी आई है अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है पाइस पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है पाइसिस पीपल आइए जानते हैं यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज किंग कार्ड है कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर है कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट इज अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेग पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ओ माय गॉड इस मंथ में आपके लव लाइफ के अंदर भी आपके प्रैक्टिकल एक्शन ही आपको खुशियां देने वाले हैं तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है जैसे ही महीना शुरू होगा आपको बहुत ही ज्यादा उदासीनता महसूस होगी आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने रिश्ते के लिए कितने सारे इनपुट्स दिए हैं आपके पार्टनर की तरफ से तो आपको कभी भी आउटपुट मिला ही नहीं आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर और रातों को आपको नींद नहीं आएगी आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह से अपनी जीवन को व्यतीत करना चाह रहे थे और आज आपके जीवन में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं इन चीज़ों को कंपेयर करते हुए रातों को आपको नींद नहीं आने वाली है रातों को आप रोने वाले हैं ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं अपने आप को इतनी पेनफुल सिचुएशन में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब आप स्टक होंगे ना आप ये चीज को महसूस करेंगे कि अब इमोशनली चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है आप खुद ही प्रैक्टिकली अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हैं तो जब आपके अंदर इस तरह का बदलाव ही आने वाला है तो क्यों आपको अपनी रातों की नींद उड़ानी है ठीक है आप इस मंथ में अपने रिलेशनशिप पर खुद एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता आपका है आपको अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है आप अपने पार्टनर के बिना नहीं जी सकते हैं कब तक इसी तरह से रोते रहेंगे कब तक अपने प्यार की भीख अपने पार्टनर से मांगते रहेंगे आपको एक्चुअली कुछ अवेकनिंग होने वाली है आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में और आप उस तरह से अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस महीने में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेंगे आपके पार्टनर आपसे खुद कम्युनिकेट करेंगे आपने जो प्रैक्टिकल डिसीजन बनाया अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में आपने जिस तरह का भी एक्शन लिया उसमें आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर पाएंगे और आपको अंदर से बहुत पॉजिटिविटी फील होगी कि आपके पार्टनर आपके पास जरूर आने वाले हैं पास्ट के जो आप दोनों की मेमोरीज है वो आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है तो आप इस उम्मीद से एक्शन नहीं लेने वाले हैं कि इसी महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा बट इसी महीने में आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग अपने रिलेशनशिप के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने वाले हैं जो ये सोचेंगे कि नहीं हमें रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपके पार्टनर अपने आप से आपके पास वापस आ जाएंगे ये महीना जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कर्मों पर फोकस करने वाले हैं तो कर्म का ही रिजल्ट आपको इस महीने में मिलेगा आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जब आगे की ओर बढ़ रहे होंगे आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर

तो ये रिश्ता निकल ही जाएगा इस मंथ में जो लोग एक्शन लेने वाले हैं आपका रिश्ता इस महीने में बहुत ही खूबसूरत होता हुआ बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है ठीक है आपकी इंटेलिजेंस आपकी विस्टम आपके पार्टनर को आपके पास वापस लेकर आएगी ओके सो आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है इस महीने में जब आप अपने पार्टनर से कोई भी बात कहेंगे ना तो आपके पार्टनर आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देने वाले हैं आपके पार्टनर आपसे एक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे कि उनके पास इमोशंस के लिए वक्त नहीं है उन्हें अपने करियर पर टाइम स्पेंड करना है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है और आपके मन में एक शक भी पैदा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पार्टनर हमें चीट कर रहे हैं हमें बैक स्टैप कर रहे हैं आप फिर भी अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश करेंगे आप अपने पार्टनर को पुरानी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपके पार्टनर को आपके साथ करना पसंद था आप वैसे स्पॉट्स पर अपने पार्टनर को लेकर जाएंगे लेकिन उन्हें इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर आप बहुत ज्यादा स्टक फील करेंगे अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फुल मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बदलाव आएगा आपके पार्टनर आपकी उस उदासीनता को दूर करेंगे आपके पार्टनर अचानक से आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे तब आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि, कि जो कुछ भी आपके पार्टनर कह रहे थे वो बिल्कुल सही था आप ही ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में थे आपने ही अपने पार्टनर के ऊपर बिना किसी मतलब के शक किया है आपको तो शक इतना ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर होने वाला है कि आप रातों को सोएंगे नहीं आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें सोचने वाले हैं आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर किसी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और अब आपके पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं ऐसी चीजें तक आप सोच लेंगे ऐसी मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं अपने रिश्ते को अपने हाथ से बर्बाद मत कीजिए खा आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले हैं आपका थॉट प्रोसेस ही आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर सकता है एंड वन मोर थिंग आपके पार्टनर जब आपके सामने अपने इमोशंस को रखना शुरू करेंगे ना आपकी हर एक डिजायर को पूरा करेंगे जो भी चीजें आपने अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट की हैं ना वो सारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं पाइसिस पीपल जो लोग सिंगल हैं इस महीने में स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा चिंता होगी क्योंकि आप अब ईगर हैं शादी करने के लिए लेकिन आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन नहीं है आपका रिश्ता कहीं फिक्स नहीं हो रहा है ये फीलिंग आपको पहले पंद्रह दिन आती रहेगी पंद्रह दिन के बाद आपके साथ कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट होगा जो आपको पहले से जानता है ठीक है उस पर्सन के साथ आप काफी कंपैटिबल थे उस पर्सन के साथ दोबारा से जब आप कांटेक्ट में आएंगे आपकी फीलिंग्स जो है वो जागृत होंगी उस पर्सन के लिए और वो पर्सन आपकी फीलिंग्स की कद्र भी करेगा उस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश मत कीजिएगा उस पर्सन के साथ आपको अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है ठीक है और ये पर्सन आपको आपकी वर्क प्लेस पर मिलेगा अगर आप वर्किंग नहीं है तो किसी ऐसी जगह पर ये पर्सन आपको मिलेगा जहां पर मनी एक्सचेंज होता है जैसे कि बैंक की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं जैसे कि आप कहीं पर मनी वो एक्सचेंज करने जाते हैं वेस्टर्न यूनियन टाइप वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकता है ओके okay? और इस पर्सन के जो जॉडिक साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो है इक्वेरियस जेमना लिब्रा ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी पाइस पीपल आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरह की होंगी ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरह की होंगी आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा तो पहला कार्ड है रिन्यूअल का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है

ठीक है नहीं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी एक्चुअली आपने अपनी इच्छाओं को मार के एक अलग प्रोफेशन अगर चूज किया है तो आप अपनी इच्छाओं की तरफ इस महीने में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जिस चीज को आप अपना करियर बनाना चाहते थे आप उस फील्ड की ओर मुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और वहां पर आपको सक्सेस भी मिलने वाली है ठीक है आपके जो सपने अपने करियर के रिगार्ड में जो अधूरे कहीं छूट गए थे आपको वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ा था उन सपनों के ऊपर आप ध्यान देंगे और उन सपनों को पूरा करते हुए आप मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं इस महीने में आपको काम करने में मजा आने वाला है आपको एक इमोशनल कंटेंटमेंट मिलने वाली है आप अपना हंड्रेड परसेंट अपने करियर पर लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आपको कामयाबी भी मिलेगी इस महीने में आप अपने करियर की एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहकर अपने करियर को ब्लूम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपको अपने करियर के रिगार्ड में निरंतर एक्शन लेना है किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है आपके जो भी सपने हैं आपके करियर के रिगार्ड में इस महीने में पूरे होने जा रहे हैं अपने सपनों को रियलिटी आपको खुद अपने एक्शन से बनाना है जब आप अपने करियर में इस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे भी होंगे जो बहुत ही जेलस फील करेंगे वो लोग आपको गलत एडवाइस देने की कोशिश करेंगे उन लोगों की एडवाइस को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है इस महीने में अपने लॉजिक्स साथ आपको आगे की ओर है। आपके लॉजिक्स बिल्कुल सही रहने वाले हैं अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश आपको अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग करनी है आपका परसेप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है इस महीने में आपको जो भी अपने करियर के अंदर चैलेंज फील होता है उसे आपको अपने इंटलेक्ट से सॉल्व करना है ठीक है और दूसरों की बातों में ज़्यादा नहीं आना है इस महीने में आप अपने करियर के रिगार्ड में अगर किसी को कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे तो सामने वाला पर्सन समझेगा ही नहीं आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे सामने वाला पर्सन समझेगा किसी और डायरेक्शन में और फिर वो पर्सन आपको डिमोटिवेट कर सकता है तो इसलिए किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है इस महीने में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने शहर को बदल कर कहीं और जगह पर जाकर जॉब कर सकते हैं आपकी प्रायोरिटीज अब ये नहीं होंगी कि आपको पैसा कमाना है आपको फेम कमाना है अब आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आपको अपने दिल की बात सुनकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है करियर में वो चीज करनी है जिसको करने से आपको सैटिस्फेक्शन मिले आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की रहने वाली है ओके सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसिस पीपल आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी आइए जानते हैं पाइसिस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है नेक्स्ट इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है देखिए वाइसिस पीपल अगर आपको कोई बहुत पुरानी बीमारी है और वो कहीं ना कहीं दब गई है तो वो सरफेस होने वाली है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जब वो चीज़ सरफेस होगी ना तो आपको उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा इस मंथ में अपने हेल्थ के रिगार्ड में जो भी आपको फैसले बनाने हैं लॉन्ग टर्म फैसले बनाइएगा ठीक है अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है ठीक है उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स तो अच्छे ही होने वाले हैं इस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर चलिएगा इस महीने में घर का पर्सन आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला है उस पर्सन की बात को सुनिएगा इस महीने में अपनी हेल्थ को भी आपको प्रायरटाइज़ करना है अगर हेल्थ को ही प्रायरटाइज़ नहीं करेंगे तो बाकी स्पेयर में एक्सल कैसे कर पाएंगे ठीक है और अगर आपकी तबीयत अचानक से ख़राब होती है तो घबराना नहीं है उस चीज़ का सोल्यूशन आपको साथ के साथ मिल ज़रूर जाएगा ओके सो आई होप आपको ये भी एनोलॉजी क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है देन इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है देन इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है देन इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर फाइव ऑफ का कार्ड है द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है इस महीने में अगर मनी की टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक्चुअली आप कंफ्यूजन में ज्यादा रहेंगे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है मैं आपको बता रही हूँ कि इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से रिस्क होगा लेकिन अपनी रिसर्च पूरी कीजिए जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है कोई पर्सन आकर आपको गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए वहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए उस पर्सन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना है ठीक है खुद से रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है हो सकता है कि आपका स्पेयर नहीं है आपको नहीं नॉलेज है तो इस स्पेयर में भी अपनी नॉलेज को आपको खुद इंक्रीज करना है इस मंथ में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी ठीक है तो इन्वेस्टमेंट करना मत भूलिएगा और आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सो आई होप आपको ये एनवर्चीज क्लियर हो गई होंगी अब हम बात करते हैं आपके घर की इस महीने में मुझे नहीं लगता है कि आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहिए आप कोई शॉप लेना चाहते हैं गैराज लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं लेकिन आपको इस मंथ में अपना घर नहीं बनाना है कोई लैंड लेकर नहीं रखना है आपको कोई फ्लैट नहीं खरीदना है कोई बना बनाया घर नहीं खरीदना है ओके सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए मंथ किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है का कार्ड है यहाँ पर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है देखिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं पहले तो ये बात समझ लीजिए अगर आपने पहले भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है और ये एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं हुआ है तो वो आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उस टाइम पर ज़रूरी था इसलिए आपका वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ आपको उस चीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वो एक्सपीरियंस अब आपने गेन कर लिया है लेकिन उस मेमोरी को अपने साथ लेकर मत चलिए ठीक है इमोशनल होकर पढ़ाई नहीं करनी है लेकिन इतना भी डिसहार्टन नहीं हो जाना है कि आप पढ़ाई में ध्यान ही ना लगा पाए ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा दूसरी चीज ये है अपने आप को कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आपको रखने की जरूरत है अपने आपको अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप तो अपना हंड्रेड नहीं दे पाएंगे इस मंथ में आपको जगलिंग मोड में रहने की जरूरत नहीं है जब पढ़ाई करेंगे उसका शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से बनाना है अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आइए पास्ट में हो सकता है आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था लेकिन इस मंथ में ये एग्ज़ाम क्लियर होने की पूरी संभावनाएं हैं इस मंथ में अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है तो वो एग्जाम आपका जरूर क्रैक होगा और अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं तो वो एग्जाम आप इस मंथ में दीजिए वो बोल्ड स्टेप जरूर हो सकता है लेकिन आपकी पढ़ाई में आपको सफलता जरूर दिलाएगा ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जीज तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बिना मेहनत के कभी भी जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है ओके सो so, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए वट शुड बी मोड ऑफ एक्शन आपको इस मंथ में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए तो पहला कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेअर इज ओपन कॉम्युनिकेशन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेअर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है इस महीने में आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है ऐसा जीवन में कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं ये जो फीलिंग आती है ना कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी वो इसलिए होती है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपको ये चीज़ पहचाननी है कि डिवाइन ने आपको पावर दी है आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में वापस आना है आपको और अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट करना है वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है आप मुँगी की दाल का दान कर सकते हैं आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं हरे कपड़े का आप दान कर सकते हैं पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं धनिया की गुच्छी का दान कर सकते हैं इससे आपकी इल्यूजन की एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी ओके यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है देखिए इस मंथ पे यूनिवर्स आपके साथ है आपको यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मिल रही है यूनिवर्स का प्यार मिल रहा है इस मंथ में आपको फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना और फ्राइडे के दिन पर आपको व्हाइट शेड या फिर पिंक शेड के कपड़े डालने हैं ओके द नेक्स्ट इज ओपन कॉम्युनिकेशन का कार्ड है इस मंथ में आपको अपने अंदर कोई बात को नहीं रखना है अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है तो आप उस पर्सन से प्यार से वो चीज़ कह दीजिएगा आपकी बात को ज़रूर सुना जाएगा अपने ऊपर किसी चीज़ का बर्डन लेकर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है और पूरे मंथ में आपको ओम की चैंटिंग करनी है यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है इस मंथ में आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है और प्रेयर्स अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है मतलब आप सीधा सीधा वो मांगेंगे ईश्वर से जो आप चाहते हैं गोल गोल घुमाकर प्रार्थनाएं आपको नहीं करनी है और इस पूरे मंथ में आप मेडिटेशन जरूर करने हैं यहां पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है आपके dreams, आपके vision, आपके ड्रीम्स विज़न गोल इस मंथ में रियलिटी बन सकते हैं जैसी आपकी सोच होगी वैसे आपको रिजल्ट्स अपनी लाइफ में मिलेंगे तो फोकस रहने की जरूरत है आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं ये इस चीज पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए का है। इस मंथ में आपका बहुत और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और डिवाइन की तरफ से आपको स्ट्रिक्ट गाइडेंस मिलेगी जो इंटर गाइडेंस होगी वो बहुत ही लाउड होगी बहुत ही क्लियर होगी उस गाइडेंस को जरूर सुनिएगा तो गाइडेंस को सुनने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत होती है जहां पर शांति होगी तभी आपको वो सारी चीजें सुनाई देती ओके सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पीपल आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आइए जानते हैं सो so, पहला कार्ड है यहाँ पर फोकस्ड का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिवर्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर रेस्ट क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में फोकस रहिएगा जब आप फोकस रहेंगे तभी वो चीजें आप हासिल कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं जहां पर आपका फोकस हटा वहीं पर आपको फेलियर एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे तो की टू सक्सेस क्या है फोकस ओके okay? डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा आपको सपोर्ट हर एक पॉइंट पर मिलती रहेगी ठीक है द नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं मतलब लाइफ में कोई साइकिल चेंज हो रहा है इसलिए इस टाइम पर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने तरीकों में बदलाव लाने की ज़रूरत है और नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है बहुत जल्द आपके जीवन के अंदर बैलेंस इस्टेब्लिश होगा आप अपनी लाइफ की ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस कर पाएंगे जिंदगी के अंदर हर एक चीज ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएगी ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपने आप को क्लेंस कीजिए अपनी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को पहचानिए जो पास्ट में हुआ है उसे पास्ट में छोड़ दीजिए अपने आप को नया वर्जन बनाइए खुद का एक नया वर्जन क्रिएट कीजिए ओके और डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान दीजिए जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को रिफ्लेक्ट करेंगे उसी तरीके की एनर्जीज़ आपकी तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी ठीक है तो पॉजिटिविटी अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो पॉजिटिविटी ही आपकी तरफ रिडायरेक्ट होगी ओके okay? सो so, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ कर मेरे मेरे बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ई मेल के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ई मेल स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो so, Thanks for watching. See you soon.